सोलन के इतिहास की जानकारी अब बेकरी उत्पादकों को मिलेगी, जिससे जहां लोग बेकरी में अपने उत्पादों का स्वाद चख पाएंगे, वहीं पर सोलन से जुड़ी ऐसी जानकारी और इतिहास को भी जान पाएंगे जिस बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। इन उत्पादों पर जिला प्रशासन की देवी सोलनी डोग टनल वॉन मिनिस्ट्री ब्रेवरी और सोलन से जुड़ी तमाम जानकारियां इन उत्पादों पर होगी। इन उत्पादों से शहरवासियों को अपने शहर की हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। हर उम्र के जिज्ञासु लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहद भा रहा है। व्यवसायी मधुकर वर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि सोलन के इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ी को कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेकरी में बने उत्पादों पर सोलन से जुड़ी इतिहास की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे जहां भावी पीढ़ी को वहीं सोलन में आने वाले सैलानियों को भी इस बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और वह अपनी भूख के साथ साथ जिज्ञासा भी शांत कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि आने वाले नौजवानों को सोलन के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो सके। हमने बेसिकली देखा है कि जो हमारी हेरिटेज और हमारी धरोहर है, हम उसको कैसे प्रमोट करें। तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई थी हमारे बगाट स्टेट के बारे में, मोहन मेकिंस के बारे में, मोहन मेकिंस की बॉटल्स पड़ी हैं, और डायर मेकिंस के बारे में, शुली मंदिर के बारे में, सोलन के सराउंडिंग्स के बारे में, बॉन मिनिस्ट्री के बारे में, और जो भी हिमाचल में जगह हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे कसोल हो गया और बीर बिल्डिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग का प्लेसेस हो गया। हमने इन सब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी बेकरी बेकर्स एस्टेट के माध्यम से हमने सोचा है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें और हमारे नए जनरेशन तक इनको कैसे पहुंचाए। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू कोई हमारा जो भी हमारा गेस्ट है वो लेकर जाए, अपने नज़दीक लोगों को दे और उन्हें कुछ पता लगे कि वो कुछ सोलन से लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारे सोलन का स्टेटस सिंबल बने, जो जिसके भी घर में जाए उसको कुछ पता लगे कि हाँ सोलन भी कुछ है और ये हमारी चीज़ें हैं।